अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और क्या हो रहा है। मैं हूं आपका दोस्त हस्साम, और इस वक्त आपसे शेयर करने लगा हूं अपने उम्र की जर्नी जो कि मैंने रिसेंटली ही अदा किया है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मक्का, और अभी हम हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं, और अभी इशा का वक्त हो चुका है और अज़ान भी हो रही है। तो हम पहले इशा की नमाज़ अदा करेंगे, फिर हम हरम की तरफ जाएंगे और फिर अपना उम्र स्टार्ट करेंगे। इस वक्त ये अज़ान आप सुन सकते हैं डायरेक्ट हरम शरीफ से, आप भी सुनिए। इशा की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोग जाएंगे सहन में, जहाँ पे हम तवाफ़ का स्टार्ट करेंगे। और इस वक्त हम पहुंचने लगे हैं सहन में। ये हम आ चुके हैं सहन में, जहाँ पे हमारा अब तवाफ़ स्टार्ट होगा। यह हमारा पहला चक्कर है जो हम स्टार्ट करने लगे हैं। आपको बताता चलूँ कि तवाफ़ में टोटल 7 चक्कर होते हैं, जैसे कि आपको मालूम ही होगा। और इसका जो स्टार्ट, यानी पहला चक्कर जो स्टार्ट होता है, और कोई भी चक्कर जो स्टार्ट होता है, वो काबे के दरवाज़े से स्टार्ट होता है। तो इस वक्त हम पहला चक्कर स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ हम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मरहूम रिश्तेदारों के लिए, और सब के लिए दुआ मांगते हैं। अपने लिए भी दुआ मांगते हैं, ठीक है, और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ मांगते हैं। ये हमारा चक्कर कंप्लीट हो गया एक, और अब हम सही की तरफ आ चुके हैं। ये टोटल 7 चक्कर मैंने वीडियो नहीं बनाई, जैसे कि आपको मालूम है कि इबादत के लिए आए हैं, तो मैंने वीडियो थोड़ी ही बनाई ताकि आपको मालूम हो कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया। इस वक्त हम सही पे मौजूद हैं, सही करने आ चुके हैं, और ये इस वक्त हम मौजूद हैं सफ़ा के मकाम पर। ये सफ़ा की पहाड़ी आपको सामने दिख रही है, और यहाँ से हमारी सही स्टार्ट होगी, यानी हम यहाँ से अब पहला चक्कर स्टार्ट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये एक ढलान है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये पहाड़ी है, तो अब उसे नीचे हम उतर रहे हैं, और ये हम पहला चक्कर स्टार्ट करेंगे यहाँ से। आज हरम में इतना रश और इतना हुजूम देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये काफ़ी अरसे बाद यहाँ हरम की, मक्के की रौनक बहाल हुई है। वरना इससे पहले आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग और काफ़ी वजूहात की वजह से जो है उम्रे का काफ़ी अरसा उम्रा बंद भी रहा, और उम्रा करने के लिए काफ़ी कम लोगों को इजाज़त दी जाती थी। ये इस वक्त हम ग्रीन लाइट्स पे हैं, और ग्रीन लाइट्स ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये हमारे दौड़ने की जगह है, यहाँ पे दौड़ा जाता है। इस वक्त हम अब हम पहुँच चुके हैं मरवा की पहाड़ी पे। ये भी हम देख रहे हैं आप, ये हम चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं, ऊंची जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि ये मरवा की पहाड़ी है, तो अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। और यहाँ भी मैं आपको दिखाऊँगा कि मरवा की पहाड़ी कैसी है। ये हमारा पहला चक्कर कम्प्लीट हो रहा है सही में। इसमें भी टोटल 7 चक्कर होते हैं, यकीनन आपको मालूम होगा। अब हम ये जो जा रहे हैं, ये जो आप आगे ब्राउन ब्राउन सा फर्श के साथ देख रहे हैं, ये है मरवा की पहाड़ी। ये आप इसकी ज़्यादा कर सकते हैं, ये है मरवा की पहाड़ी। अब हम यहाँ से वापसी सफ़ा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारा ये दूसरा चक्कर स्टार्ट हो रहा है। अब हम मरवा से सफ़ा की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ कि इस वक्त हम सफ़ा पे पहुंच चुके हैं। अब हम हमारा ये दूसरा चक्कर भी कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लोगों का हुजूम है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे अल्लाह का घर है, और अल्लाह के घर में लोगों का हुजूम, ये देख के दिल अंदर से खुश होता है कि लोग काफ़ी तादाद में उम्रा करने के लिए आए हैं, इबादत करने के लिए आए हैं।
ये भी सफ़ा की पहाड़ी है, ये आप देख सकते हैं इस वक्त। और ये सफ़ा और मरवा के बीच में जमज़म के काफ़ी पॉइंट्स बनाए हुए हैं। जमज़म के इन्होंने यहाँ पे कूलर लगाए हुए हैं जिस पे हाजी जो है वो जमज़म, मैंने भी पिया जमज़म काफ़ी दफ़ा क्योंकि प्यास लगती है। आप क्योंकि चलते हैं, 7 चक्कर लगाने होते हैं, तो इस वजह से आपको प्यास भी लगती है। और ये जो आपने मशीनरी देखी, ये यहाँ पे सफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सफाई करने का भी एक अलग ही मंज़र होता है यहाँ पे। अब हमारे ये 7 चक्कर कंप्लीट हो चुके थे, हमारी सही हो चुकी थी, हमने नफिल अदा कर लिए थे। अब हम बाहर आ चुके हैं, सहन से बाहर निकल गए हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं ये मक्का टावर है, ये अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, वापस अपने घर की तरफ। तो अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर हम अपने गाड़ी की तरफ जाएंगे जहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार्क की थी। और मैंने सोचा कि आपको यहाँ की मक्का की मार्केट भी दिखाता चलूँ। ये मक्का की मार्केट है जो बिल्कुल हरम के साथ होटल्स हैं उनमें ये मार्केट है, जिसमें गोल्ड की मार्केट है। ये आप देख सकते हैं गोल्ड शॉप्स हैं, और भी मुख्तलिफ काफ़ी शॉप्स हैं जिसमें कपड़ों की शॉप्स हैं, जिसमें तोहफ़े तहाइफ़ की शॉप्स हैं। तोहफ़े तहाइफ़ में जैसे कि आप सर पे पहनने वाली टोपियाँ होती हैं, जैसे ये तस्बियाँ हैं, ये बिल्कुल उसी मुनासिबत से सारी आपको शॉप्स दिखाई नज़र आएंगी। ये भी जाए नमाज़ें हैं, यहाँ पर बैग्स हैं मुख्तलिफ। ये अब हम आ चुके हैं पार्किंग की तरफ। पार्किंग से भी देखें आप, ये क्लॉक टावर नज़र आ रही है यहाँ से। इस वक्त हम पार्किंग में हैं और हरम से तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव से दूर हैं हम, और यहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है। अब हम यहाँ गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, गाड़ी में बैठेंगे और फिर हम घर की तरफ रवा दवा होंगे। ये अब हम रास्ते में हैं, ये वापसी की तरफ हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये मक्का की वो मशहूर रहल है जो कुरान शरीफ जो बना हुआ है रहल, ये वो है। ये रात में इसका ऐसा मंज़र होता है, इसकी लाइटिंग देख सकते हैं आप। उम्रा किया था, काफ़ी भूख लग रही थी, खाना नहीं खाया था रात का, तो अब हमने सोचा कि कहीं रुक के खाना खाते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना कूदू पे रुक के कुछ फ़ास्ट फूड ट्राई किया जाए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और आगे दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा।